दोस्तों अभी स्टूडियो में हम अपना एच सी एफ ओप 57, 75 and 102 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालें, बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से समझेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों इसके लिए हम इनके फैक्टर करने वाले हैं। देखिए फैक्टर करना का तरीका बिल्कुल सिंपल है। फैक्टर करने के लिए आपको दोस्तों अपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा 2, 3, 5, 7 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर है। अब आपको दोस्तों मैं कुछ नियम बताना चाहूँगा, उन नियम के द्वारा आप यहाँ पर इस नंबर को देखकर यह बता सकते हैं कि ये कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो देखिए यदि किसी नंबर का आपका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो वो नंबर आपके क्या रहते हैं, 2 से डिजिबल रहते हैं। तो देखिए ये आपका 2 से डिजिबल नहीं है, इसका इकाई अंक देखते ही आपको पता लग गया। तो हम आगे 3 के पास जाएं, तो 3 का नियम क्या होता है, डिजिट का सम करने पर आपका 3 से डिजिबल होना चाहिए। तो 5 + 7 कितना रहे, 1, 2, 1, 2 3 से डिजिबल है, मतलब ये भी आपका 3 से डिजिबल है। इसमें हमने 3 का डिवाइड किया, ओके ऐसे आप लिख के डिवाइड कर सकते हैं। यदि डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो 57 में हम 3 का डिवाइड करेंगे, जितना आपका डिवाइड होगा वो यहाँ इसके नीचे लिखना है। कितना हो गया दोस्तों मेरा डिवाइड, 1 बार और 9 बार हो गया। अब देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आगे कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे, देखिए वो लिख देता हूँ, 11, 13, 17, 19। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 19 एक आपका एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की खास बात क्या होती है, वो खुद से ही डिवाइड होता है, कितना, 1 टाइम। अब 75 की बात करें, फिर ये आपका देखिए 3 से डिजिबल है, कितना, 2 बार और 5 बार। अब ये आपका 3 से डिजिबल नहीं है 25, लेकिन 5 से डिजिबल है, कितना, 5 टाइम 5 से डिजिबल है, कितना, 1 टाइम। 102 की बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों ये आपका 2 से डिजिबल है, कितना, 5 और 1 टाइम। अब ये आपका 2 से डिजिबल नहीं है लेकिन 3 से डिजिबल है, कितना, 1 और 7 टाइम। 17 एक प्राइम नंबर है, 17 से डिजिबल होगा, कितना दोस्तों आपका, 1 टाइम। हमें यहाँ पे क्या निकालना है अपना दोस्तों, एच सी एफ निकालना है। तो एच सी एफ के लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल है, आसान है, इसका फुल फॉर्म याद करो। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये आपका कॉमन फैक्टर की बात करता है। ऐसा फैक्टर जो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, हमें उसको लेना है। उसके बाद 19 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है, 5 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है, 17 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है, तो बस इतना ही है, ठीक है। जो कॉमन फैक्टर आया है, ठीक है, वो आपका क्या बनता है दोस्तों, यहाँ पर एच सी एफ बनता है। तो इन तीनों का हमारा एच सी एफ क्या निकल गया, 3 निकल गया। तो इस तरीके से आप अपना एच सी एफ बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।